set up to see Father आप आस वालों को बता दीजिए अपनी भाषा में जल्दी बताया गया है। हाँ जी, जन्म है राम वाले उधर में उनसे लगता रहता है। हाँ जी, पर अंत में जब पति हो जाती है तो अंत में वो थोड़ा थोड़ा से साइकिल पर आ जाता है। राम की आत्मा लड़ते लड़ते पतित बन जाते हैं लास्ट समय में। हाँ, तब शिव के बैठ जाते हैं, हिम्मत आ जाती है। हाँ, और तीसरी बात तो पता ही है, जब ब्रह्मा बाबा उसके स्वाधार के स्वाधार ऊपर थोड़ा थोड़ा करके कब्जा करना शुरू करता है, तब अंत में वो पुकारता है। कौन पुकारता है? कब्जा थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा करता है, कब्जा ज्यादा करने की कोशिश करता है, कब्जा नहीं कर सकता, कोशिश करता है। एक ही समय कब हुआ, अलग अलग समय का हुआ क्या? तीन बार प्रवेश होगा क्या? क्या आपकी तरफ जाते ये तीनों बार प्रवेश संदर्भ बताया ना, समझ गया है बोल ले। तीन पॉइंट जो भाई ने बताया, कौन कौन से तीन पॉइंट? पहला, जब माता ने जब सुनाई ब्रह्मा की बात, साक्षात्कार की बात सब समझने के लिए प्रवेश होता है भजन में। दूसरी बात है, जब तेसठ जन्म में वो राम वाले आत्मा उस समय समझने समझाने के लिए प्रवेश होता है या सिर्फ सुनने सुनाने के लिए प्रवेश हुआ? समझने और समझाने के लिए प्रवेश होता है। किसी ने समझा? किसने? और किसी ने नहीं समझा? नहीं, ब्रह्मा ने समझाता है, सब समझते हैं। यज्ञ के आज में जो बाप आते हैं तो बाप में प्रवेश करते हैं समझने समझाने के लिए, लेकिन समझा किसने और समझाया किसको? माता को समझाया। समझा? कोई ने नहीं समझा, समझने वाले ने समझा लेकिन समझाया समझाया किसी को नहीं। उस समय समझाने का पार्ट ही नहीं था, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो समझेंगे क्या? वो समझाने की बात ही नहीं, खुद समझ लिया तो बोला अलग को मिला अल्लाह, बे बात खाई सारी भागीदार को दे दी, लो तुम लड़ाई करते हो, यज्ञ की राजाई तुम ही ले लो। ये अल्पकाल की राजाई है या सदा काल की? अल्पकाल की राजाई है। हाँ, और एक बात तो ये हुई, जब तिरसठ जन्म में राम वाले आत्मा लड़ता लड़ता अंत में जब विदर्भ में ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं और सब
वो राम वाले आत्मा थोड़ा सा संकल्प आने से आ जाता है, उसी समय में शिव उसमें प्रवेश करता है। ये भी उसी समय की बात है जब 36 से लेकर के 42-43 तक दूसरी विश्व युद्ध तक जब सारे भारतवासी आवाहन कर रहे थे, हे पतित पावन आओ गांधी जी के नेतृत्व में, तो सबके आवाहन का उतना असर नहीं, लेकिन यज्ञ कुंड से जब विनाश वाला प्रज्वलित हुई निमित्त कौन कौन बने? पहले ब्रह्मा, फिर बाप, ब्राह्मण बच्चे भी बीच में आ गए, तो बाप को वैराग आएगा या नहीं आएगा? वैराग आ गया। जब पूरा वैराग होता है तभी ज्ञान होता है, बिन वैराग विवेक बन हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ राम निराकार है और शिव बाप प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान की जब पराकाष्ठा होती है तभी वैराग होता है, अधूरा ज्ञान होता है तो पूरा वैराग नहीं हो सकता। पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग। ज्ञान संपूर्ण रूप से उपजता है तो वैराग आ जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो उसी समय की तो बात है, अलग अलग बातें थोड़े ही है। और तीसरी बात क्या है? जब राम वाले आत्मा पर जब सेवक राम के रूप में काम करता था उसके दर्शन में ब्रह्मा बाबा के दर्शन में ब्रह्मा बाबा उस पर कब्जा करने का कोशिश करता है। वही तो बात हुई ना, ब्रह्मा की सूल जो है जैसे घर घर में होता है, जो तमोप्रधान माताएं होती है वो क्या चाहती है कि पति हमारी बात माने, हमारे कंट्रोल में चले, हमारी बात क्यों नहीं मानता? ऐसे होता है ना, तो जायज बात भी माने और ना जायज बात भी माने तो हम तुम्हारी बन के रहेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये देवान की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो वैराग पैदा होता है। अगर पूरा ज्ञान होता उस समय तो ये वैराग जो है वो हद का रूप नहीं लेता। पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए छोड़ करके चले गए। तीन बार प्रवेश हुआ, कोई एक ही बार की बात है। समझाने से कोई नहीं समझता है, हम किसी को अपना समझते हैं और उसे अपनी बात समझाना चाहते हैं, और जिसको हम अपना समझते हैं वही हमारी बात अपोजिशन करता है, हमारी बात नहीं समझता। तो वैराग आता है या नहीं आता है? आता है। बाबा ये ब्रह्मा की आत्मा ने अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बारिशा की, ये ब्रह्मा की आत्मा ने सच लिखा ना? अलग कौन है? प्रजापति। तो बोला किसने? नहीं, ये ब्रह्मा बाबा लिखा कर को जीवन कहानी में बता रहे हैं। जीवन कहानी किसने लिखी है? अरे जीवन कहानी जो लिखी गई है वो किसने लिखी? ब्रह्मा कुमारी ने लिखी। जगदीश भाई ने लिखी, उन्होंने उसका कलेक्शन किया। अलग अलग ब्रह्मा कुमारियों ने अलग अलग मतों से अलग अलग सिरों से अपना अपना अनुभव गढ़ करके उसमें रख दिया। तो जो भी जीवन कहानी लिखी गई है तो ये बात मुरली में भी आता है। हाँ, क्या अलग को मिला अल्लाह, बेको मुरली में किस अर्थ में आता है?
अल्लाह कौन है जिसको अल्लाह मिला? प्रजापिता। बात तो हल हो गई, उसको अल्लाह मिला उसको दुनिया में क्या चाहिए? यज्ञ की कंट्रोलिंग चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो अल्पकाल की है। उस समय वो आत्मा को वो फीलिंग नहीं आया ब्रह्मा बाबा की आत्मा को? किस बात की? बेको मिली बात चाहिए वो दोनों वो लिखा ना। हाँ बेको मिली बात चाहिए वो तो फूल के गर्भवता हो जाएगा। उनको तो नकाई कर गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, वो आराम से पड़े हुए थे अपने संगठन के साथ, तो उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? सुख मिला ना, तो क्या समझेंगे हम स्वर्ग में हैं कि नरक में? सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नरक में पड़े हुए हैं और हम अपने संगठन के साथ स्वर्ग में पड़े हुए। नहीं वो तो पार्टी समय की बात होगी, वो तो पार्टी समय की बात होगी, इसी समय की बात है, पार्टी के समय की बात। विश्व का कल्याण हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, यही बात अंत में भी होगी। कृष्ण की आत्मा सुख में स्टेज में पहुंच जाएगी, उसे कोई दरकार नहीं। उन्हें तो दरकार थी तो पा लिया, चैन की बंसी बजाई और स्वर्ग में चले गए। तो दुनिया को वर्षा मिला या नहीं मिला सुख शांति का, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो बच्चों का उस समय शुद्ध मोह भी छूट जाएगा। किसका? कृष्ण की आत्मा को। कृष्ण की आत्मा को शुद्ध मोह छूट गया था 47 में। उस समय अंत समय का बात, अंत समय तो संपूर्ण स्वर्ग स्थापन होगा और स्थापन करने वाले निमित्त तो कोई दूसरे होंगे। झूठी गीता नहीं होगी, झूठा स्वर्ग स्थापन करने वाली सच्ची गीता होगी। तो अभी 67 की जो मुरली चली, ब्रह्मा द्वारा जो भी उस समय का बच्चे थे ब्रह्मा द्वारा शिव को याद करते थे, हाँ तो उस समय उनका पाप मिटा या नहीं? जो मीडिया है वो अधूरा है और उसमें प्रवेश करने वाला संपूर्ण है, तो काम संपन्न होगा या नहीं? अरे जिस तन में प्रवेश किया, जिस कपड़े को स्वीकार किया सुप्रीम सोल ने, वो सड़ा हुआ कपड़ा है, उसमें सटका लगे और टूट जाए फट जाए, उससे स्वर्ग स्थापन हो सकता है? नहीं, स्वर्ग स्थापन का बात नहीं पूछ रहा है, जो याद करते थे उसका पास है। याद से ही स्वर्ग स्थापन होगा, सुख स्थापन होगा या बिना याद के सुख स्थापन हो जाएगा? और किसकी याद से सुख स्थापन होगा और किसकी याद से दुख स्थापन होगा? तो फिर उनको कैसे कहलाएगा? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की याद से सुख स्थापन होगा। क्या तो उनको पवित्र रानियां कैसे कहा जा सकता है? इनको कह सकता है जो चंद्रवंशी है, उनको क्या रानियां? पवित्र रानी, जन्म जन्म की रानियां कहा जाए, वो थोड़ी पवित्र रानी है। वो सारी जितनी बेसिक रानी है वो सारी की सारी पवित्र रानियां है। अभी कवित वाणियों में कह दिया ये दिव्य रानियां तो थोड़ी अष्टदेवों में आई है अभी। नहीं सारी नहीं, मिक्स तो है ना, मिक्स है उसमें जो जो असल चंद्रवंशी है जिन्होंने निराकार को याद किया, जैसे राम वाली आत्मा ने शुरुआत में ही निराकार को तेजी से याद कर लिया तो सिद्धि को पा लिया, आत्मा सूक्ष्म बन गई। ऐसे ही चंद्रवंशी धीमी गति से चलने वाले, उन्होंने उन चंद्रवंशियों ने अगर निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद किया
और ब्रह्मा को याद करने के लिए चित रखने के लिए मना कर दिया है तो नहीं उस पर ध्यान दिया तो वो चंद्रवंशी आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे। पीछे रहेंगे तो पीछे क्यों रहेंगे? और बेसिक में चलने वालों के मुकाबले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? आगे जाएंगे। लेकिन भक्तिविहीन ज्ञान निष्फलम भक्तिविहीन ज्ञान निष्फलम भक्तिविहीन ज्ञान निष्फलम ज्ञान जिसने भक्ति नहीं की होगी उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? जितने जितनी जाती भक्ति की होगी उतना ही ज्ञान उठाएगा ना। भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान भी नहीं उठाएगा। विचारी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी विचारी उठाएगा। अगर आप विचारी एक की भक्ति की होगी तो ज्ञान भी आप विचारी उठाएगा। इसलिए कहा हुआ है भक्ति विहीन ज्ञान निष्फल। इस आत्मा में भक्ति करने के ही संस्कार नहीं रहे पास्ट में तो वो ज्ञान नहीं उठा सकती। जैसे नास्तिक आत्मा है जो नास्तिक धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो भक्ति करती है क्या? नहीं करती। तो कितना भी ज्ञान उठा ले उनका सारा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। पानी नशा एक होता है पांव तक नशा चढ़ा हुआ है। एक तरह एक नशा है पेट तक आ गया, एक नशा है गर्दन तक आ गया, एक नशा है एकदम कपार में पहुंच गया। तो कहते हैं कापारी, ये कपार कहा जाता है। नारायणी नशा होता है नारायणी। सबसे ज्यादा नशा दुनिया में किसको चलता होगा? नारायण को। क्या मिलने वाला है? नारायणी मिलने वाली है। नारायणी मिली और पिछली बात नहीं मिली तो नशा नहीं चलेगा। कापारी नशा भक्ति मार्ग में भी चढ़ जाता है अल्पकाल का। बाबा कोई मिलिट्री में मिलिट्री में कोई शरीर छोड़ जाता है ना उनको नेशनल फ्लैग के ऊपर जाते है ना नेशनल क्या है कुछ मिलिट्री में कोई मरता है उसको नेशनल फ्लैग तो उसको सम्मान दिया जाता है। जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हुआ और स्वर्ग में वो ही जाता है जीते जी बल शरीर छोड़ दिया। वो ही जा सकता है जिसने अंत समय में तीन मूर्तियों को पहचान लिया। तीन मूर्तियां कौन सी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो तीन कपड़े हो गए। वो तीन तीन कपड़े जो है वो उसके बन जाते हैं जो युद्ध भूमि में शरीर छोड़ देता है लड़ते लड़ते। पीठ नहीं दिखाता बल शरीर छोड़ देता है तो त्रिमूर्ति बाप उसका बन जाता है। जैसे यहाँ भी यज्ञ के आज में जिन बच्चों ने उन विधर्मियों से लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा था
वो साहब यहाँ एडवांस एनालिसिस में आ गए। तो मूर्ति बाप ने फिर उनको अपना लिया। तो युद्ध भूमि में जो लड़ते लड़ते शरीर त्यागते हैं वो त्रिमूर्ति बाप उनका बन जाता है। इसलिए वो झंडा जो है आज भी जो भी मरता है उसको झंडे में लपेटा जाता है। बच्चों को डांटते हाँ जी तो अरे ऐसे ही है तो और कैसे होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी करते हैं वो यादगार कहाँ की होती है? संगम की होती है। संगम में बाप माँ को डांटेगा गलती करेगी तो माँ तो कम पावरफुल है वो किसको डांटेगी? वो बच्चों को मारपीट के रख देती। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो किसको मारती है? बच्चों को पिटाई कर देती है। तैयार रहो बाबा। एक माता है हाँ। वो 9-10 बच्चों की माँ है। कोर्स लेने नहीं चाहते हैं, कोर्स लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। बाबा की क्लास बीच बीच में थोड़ा बैठ के सुनते हैं हाँ। कोर्स ले लो माने कोर्स लेने की इच्छा नहीं रखते हाँ। तो क्या करना? क्या करना? बाबा ने क्या बोला है? कोर्स ही नहीं लिया, कोर्स ही नहीं भरा और बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं लिया। बांदेली माताओं की बात अलग है। बांदेली माता भी नहीं है फिर भी वो कोर्स भी नहीं लेना चाहती, भक्ति में जाकर के कोर्स भी नहीं भरना चाहती। वो बाप के सामने किस संबंध से लाएंगे? क्या संबंध बनेगा? बच्चा बाप के घर में पैदा ही नहीं हुआ तो संबंध क्या बनेगा? अरे किसी से मिलना जुलना होता है तो किसी से मिलना जुलना होता है। कोई दोस्त होता है, कोई संबंधी होता है तो उससे मिलना जुलना होता है। अब कोई कनेक्शन ही नहीं है। जगदम्बा माँ पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है और अंत में राजरजेश्वरी बनती है, तो फिर योग योगेश्वरी कौन बनती? योग जो है वो चंद्रवंशियों में ज्यादा होगा या सूर्यवंशियों में ज्यादा होगा? चंद्रवंशियों में, सूर्यवंशियों में योग ज्यादा होगा। और जगदम्बा जो है जगत की अम्बा वो बीज रूप आत्माओं में, जो बीज रूप आत्माओं की माला है उसमें चंद्रवंशियों की हेड है या सूर्यवंशियों की हेड? चंद्रवंशियों की हेड। बात समझ में आई? अरे आगे समझाने की जरूरत नहीं है। एक ही समय के हाँ जी रत्नावली तुलसीदास की पत्नी थी हाँ जी जगदम्बा। जो मीरा दासी थी वो किसकी दासी थी? कृष्ण की दासी थी। और रत्नावली किसकी दासी थी? तुलसी की दासी थी। तुलसी कहो राम कहो हाँ तो नई बात क्या पूछ रहे? मीरा दासी कैसे की दासी है? अरे अरे गीता है और गीता पति भगवान कहा जाता है। अगर कृष्ण की आत्मा गीता को अपने कंट्रोल में कर ले तो उसकी दासी बनकर के रही कि नहीं रही? हो गई। हाँ
जो योगी है वो सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बोधिवंशी होगा? और योगिनी वो भी सूर्यवंशी होगा। सूर्यवंशी मणकों में जो पहले नंबर का मणका है वो सूर्यवंशियों का है, दूसरे नंबर का मणका है वो चंद्रवंशियों का है, तीसरे नंबर का मणका है इस्लामवंशियों का है, चौथे नंबर का मणका है वो बौद्धियों का है, ऐसे नंबर वार है। अच्छा देव नंबर वार है कि एक जैसे है? नंबर वार है। व्यास कबीरदास बनते हैं ये कैसे? दूसरा जन्म में। ये कैसे? कबीरदास के जन्म दूसरा जन्म कहाँ से? व्यास हुए हैं द्वापर के आदि में और कबीर हुए हैं ये कलयुग में आकर के। अरे बताया ना कि जन्म लेते लेते आत्मा नीचे उतरती है, तो द्वापर के आदि में तो व्यास विशेष रूप से आसन लगा के बैठ गया, उसका नाम है व्यास। किस बात के लिए? हैं? भगवान किया जो असली ज्ञान है वो द्वापर में फिर भी असलियत में था, वो ओरिजिनल शास्त्रों की बातें जो है वो व्यास के द्वारा निकाली गई मुख से। बाद में जो उनके फॉलोअर्स आए वो उनका इंटरप्रिटेशन करते रहे। तो इंटरप्रिटेशन करने वालों में कई जन्मों के बाद फिर कबीर का जन्म होता है, तो कोई प्रूफ तो मिलना चाहिए कि व्यास की ही आत्मा कबीरदास बनती है। ऊंचे कवि कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास? तीनों एक ही है, आत्मा एक ही है। बुरी का दास, तुलसी का दास और कबीर का दास अलग अलग होंगे ना? एक कैसे हो जाएगी? संगम युग में बात हो सकती है कि जो सूर्य है वो चंद्रमा है, पर्सनालिटी में एक ही पर्सनालिटी है। लेकिन ये बात कहने के लिए कि जो व्यास था वो ही कलयुग में आकर के कबीरदास बनता है, इसका कोई प्रूफ तो चाहिए कि बिना प्रूफ के हो जाएगा? हाँ ये हो सकता है कि कबीर पंथी जो होते हैं, कबीर को फॉलो करने वाले, वो ये बात बोल रहे हो कि जो व्यास जी थे वो ही कलयुग में आकर के कबीरदास बन गए। तो महिमा बढ़ाने के लिए कहना एक अलग बात है और उसको साबित करना अलग बात। क्या जो प्रकार है ना, एक योग किया भी एक योग किया, दोनों में कौन सी खुशी ज्यादा किसको रहती है? योगी को ज्यादा खुशी रहती है या वियोगी को ज्यादा खुशी रहती है? ब्रह्मा कुमारियों की याद इस समय वियोगी याद है या योगी की याद है? वियोगी याद है। जब बाबा को देखते नहीं ज्ञान माने की कोई भी होने का देखेंगे पूरा वियोग वो याद ही नहीं है प्रैक्टिकल में, उसको देखा ही नहीं है।
ब्रह्मा कुमारियों ने तो ब्रह्मा बाबा को देखा है। बाबा को मुरली सुनते हैं, मुरली सुनना और अल्पकाल के लिए पहचानना दूसरों के सुनाए के आधार पर वो एक अलग बात, लेकिन आत्मा प्रयास करके 7 दिन की भट्टी करे, ज्ञान गर्भ में पके, शांत एकांत में, वो एक अलग बात हो जाती है। ये तो भट्टी का महत्व है। जो भी 9 लाख आत्माएं हैं, इन सबको तो भट्टी में तकना पड़े, तब बाप के बच्चे बनेंगे, बाप के राज्य में आ जाएंगे, बाप की प्रजा बनेंगे। 9 लाख सितारों की प्रजा है, जब तक भट्टी नहीं करेंगे बाप के बच्चे ही नहीं बनेंगे, बाप के घर में जाकर के जन्म लेंगे, तब तक वे उनको खुशी नहीं आ सकती जो योगी की खुशी होती है। अभी अलौकिक जन्म नहीं होता है, वो गर्भ में प्रवेश ही आत्मा गुप्त बात है। जन्म तो तब कहेंगे जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मैं आत्मा ये अमुक पाठधारी हूँ, प्रत्यक्षता हो जाए चारों तरफ कि ये इस देवता की आत्मा है, अमुक माला का ये मन का है। 9 लाख की माला का मन का है, 1 लाख की माला का मन का है, 1000 का मन का है, 108 का मन का है, ये 8 का इस नंबर का मन का है। कुछ भी अनुभव हो और जो संगी साथी है संसार में दूसरी आत्माएं हैं वो भी पहचान ले रहे, तब कहेंगे जन्म हुआ असली। और बांधेली आत्मा आज बांधेली है, यज्ञ के आज में बांधेली थी, क्या वो निर्बंधन नहीं बनी? क्या बनी ना, तो लास्ट में आकर के भी फंस जा सकती है, तब तक खुशी का अनुभव नहीं करेगी। ये खुशी जो है वो अव्यक्त होने की खुशी अलग होती है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि साकार में मिलता है तभी खुशी होती है। खुशी बढ़ती है श्रीमत के अनुकूल चलने से। श्रीमत कहती है कि लौकिक अलौकिक दोनों की तोड़ निभा के चलना है, ना अलौकिक में झगड़े का निमित्त बनना, ना लौकिक में झगड़े का निमित्त बनना। लौकिक वाले भी सुखी रहे और अलौकिक वाले भी सुखी रहे हमारे से, तो सब तक बहुत खुश रहना पड़ता है। अच्छी बात है ना, गुप्त वाले को ज्यादा प्राप्ति होगी ना। कहते हैं कृष्ण का जन्म हुआ तो और बच्चे 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, और कृष्ण का जन्म 10 महीने से भी ऊपर हो गया गर्भ में पत्ते पत्ते, तो पावरफुल बच्चा पैदा हुआ या कमजोर? पावरफुल पैदा हुआ। तो जो भी बांधेली माताएं हैं गर्भ के अंदर कुल मुड़ाए रही है, गर्भ के अंदर तो आत्मा ट्राई करती है ना, तो जब भी उनको चांस लास्ट में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब भी लास्ट में चांस मिलेगा तो लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान में बहुत शीर्ष में गई। हाँ जी, आज फिर भी जल्दी शरीर छोड़ा, वो कैसे?
અને ઉતરા ઊંચી સ્ટેજ નહીં પહોંચા કોઈ પૂછે નહીં કે હિસાબ કિતાબ એસા બીચ મેં આ જાતા હૈ તો શરીર છોડના ભી પડ સકતા હૈ मूल जन्म का जो हिसाब किताब है वो शरीर छोड़ने के निमित्त बन जाता है। शरीर क्यों उनको छोड़ना पड़ता है? बाबा ने क्या बोला भक्ति का? अगर भक्ति के संस्कार है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ओमराजे मम्मा के भक्ति के संस्कार थे या नहीं थे? लेकिन ज्ञान उठाया, जो भी तीक्ष्ण ज्ञान उठाया वो भक्तों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी था या ज्ञानियों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी था? भक्तों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी थी। ज्ञानियों के बीच में तो तीक्ष्ण ज्ञानी नहीं कही जाएगी। और अभी भी ओम रागी की आत्मा जो संपन्न रूप में प्रवेश करके पाठ बजाएगी वो भक्ति का पाठ बजाएगी, भक्ति शिरोमणि का, या ज्ञानी का आत्मा का पाठ बजा रही है? अभी भी भक्ति का पाठ बजाएगी बाबा। तब तक तेरे बने सरु का भला नहीं होगा जब तक कोई आत्मा चट्टी गला में नहीं जाएगी। जिसका अपना भला हो गया, जिसकी बुद्धि में बैठ गया, जो पाना था तो पा लिया, तो उसको अपने करने के लिए कुछ रह गया? अपने रथ के लिए कुछ करने के लिए रह गया? स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं रहा। जो स्वार्थ सिद्धि करनी हो फिर वो क्या करेगा? परमार्थ करेगा, दूसरों की भलाई में लग जाएगा। उसे अपने पेट की भी चिंता नहीं रहेगी। भगवान के वाक्य पर पक्का निश्चय हो जाएगा क्या कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते? तो चर्ची कला नहीं होगी। बाबा नारायण हमेशा नारायण ही नजर में रहता है, तो नारायण को पता नहीं है कि उनका नारायण जरूरी। तो अपने अपने निश्चय बुद्धि होने की बात है। अगर नारायण को ये पता हो कि हमारा नारायण है तो उसको नारायण का नशा चढ़ेगा या नारायण ही नशा चढ़ेगा? नारायण का नशा। लेकिन वो तो गाया नहीं जाता। वो नंबर दो का नशा है या नंबर एक का नशा है? वो तो नंबर दो का नशा हो गया। बाबा उसको बचपन से पहले से ही मिले था कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, बन के दिखाऊंगी, तो किसको दिखाएगी? तो दिखाएगी दीदी दादी को, पहले दिखाएगी। ये बात दूसरी है कि समझती है कि नहीं समझती है, तो बात की बात है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया है फिर भी ये बुद्धि में आना तो चाहिए कि मैं नारायण। हमारा लक्ष्य पक्का है। एडवांस ज्ञान में सीखा कौन है? भाई भाइयों को समझाए और कन्या माताएं कन्याओं माताओं को समझाए। ये मुस्लिम बोला कि नहीं? अगर भाई जिनको दुर्योधन दुशासन कहा जाता है और वो कन्याओं माताओं को समझाते हैं तो नीचे गिराने के निमित्त बनेंगे, ऊंचे उठाने के निमित्त बनेंगे? वो तो नीचे गिराने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए युक्ति बताई, कन्याएं माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं और भाई लोग भाइयों को समझाएं। इसलिए विजय माला में से जब सबसे श्रेष्ठ रत्न निकलेगा उसको समझाने वाला कौन होना चाहिए? जो ज्ञानी में तीखा हो वो होना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि समझाने वाला क्यों नहीं लक्ष्मी बनता। बाबा ने कहा समझाने वाले जो टीचर हैं वो सतयुग में टीचर ही बन करके रहेंगे और समझने वाले आगे चले जाएंगे।
बाबा बाब जब याद में बैठते हैं बाबा को याद करने के समय में भ्रुकुटी के ऊपर नजर लगाया जाता है और फिर बाबा कैसे दृष्टि देता है ना तो बाबा का दृष्टि तो शरीर के द्वारा लेना पड़ता है। शरीर में आगे नहीं है हम पूछने का मतलब ये है बच्चे जो बाप को देखता है और बाप जो बच्चों को देखता है इसमें दोनों में फर्क है या नहीं? कर्म इंद्रियों से कर्म करते याद रह सकती है या नहीं रह सकती? रह सकती है या नहीं रह सकती? रह सकती है। अच्छा, ज्ञान इंद्रियों से याद करते करते ज्ञान इंद्रियों से कर्म करते करते नाक से सूंघते हुए कान से सुनते हुए मुख से बोलते हुए आंखों से देखते हुए कर्म हुआ ना, तो कर्म करते याद टिक सकती है या नहीं टिक सकती? टिक सकती। अब कोई की विचारी याद टिकती है और कोई की आप विचारी याद टिकती है, आप विचारी याद टिकती है तो उसने देखते हुए देखा या नहीं देखा? उस कर्म का देखने के कर्म का क्या रिजल्ट होगा उसके लिए? नहीं लगेगा। देखते हुए न देखने का हिसाब बन जाए। तो ज्ञान इंद्रियों की बात नहीं है, तो कर्म इंद्रियों की भी बात है। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए अगर बाप की याद में पक्का है तो क्या रिजल्ट आएगा? लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? अटैचमेंट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। बाबा प्यार में राम वाले अपना ही दौड़कर चले जाते हैं ना, तब फिर से जन्म लेके आते हैं ना, उनको बेसिक ज्ञान कौन देता है? बेसिक ज्ञान देने के लिए तो वो ही बनेगा जो यज्ञ के आज में धारणा स्वरूप होगा। ज्ञान किसको कहा जाता है? धारणा वाले को कहा जाता है या जिसमें धारणा नहीं हो उसको कहा जाता है? राजाओं में ज्यादा धारणा रही या भारत की रानियों में ज्यादा धारणा रही? रानियों में ज्यादा धारणा रही। तो यज्ञ के आदि में ऐसी रानी कौन सी थी जिसमें ज्यादा धारणा थी? राधा बच्ची ना। कन्या माता को देना पड़ता है। तो यदि कि आज में ज्ञान देने वाला कौन था? पवित्रता का टीचर कौन है? राम के लिए भी कौन है? राम के लिए भी प्योरिटी का टीचर कौन है? अरे तो आज में थी वो अंत में भी निमित्त बनती है। अर्कावती नदी जाते हैं, अर्कावती पानी जाते हैं, नदी अर्कावती नदी जाते हैं, एक तरफ कावेरी नदी जाते हैं और दोनों मिलकर से संगम होते हैं ना, फिर भी वो मेह के दर्द होते हैं कन्न से। हिंदी में बकरी जम करते हैं ना, ऐसा बोलते है बहुत थोड़ा दूर है उसके बाद थोड़ा पत्थर है वो थोड़ा पार है उधर उसके लिए थोड़ा समझ में नहीं आया अर्कावती नदी फिर थोड़ा दूर मेके घाट बोलते है कन्नड़ में, बकरी चमकर में का ऐसा बोलता है हिंदी में, हिंदी में बकरी चमकता है ना, हाई जब संगम को नहीं क्या बोलते हैं
मेखिल जाट माना हिंदी में कहा जाता है बकरी उड़ना बकरी हाई जंप लगाती है। किसका हाई जंप लगाती है? वो जगह का गायन है, वो दोनों का जो संगम, जहाँ जहाँ दोनों नदियों का संगम होता है, अक्का महादेवी का अक्कावती एक मिनट अक्कावती और कावेरी दोनों का जहाँ संगम होता है, तो संगम के टाइम पर कोई बकरी है जो दोनों को जंप कर जाती है ना, ये बात पूछ रहे इसका अर्थ क्या है? पहाड़ है, पहाड़ है, पत्थर बीच में ऐसा है, दोनों नदियों का मेल है, ऐसा जंप करता है, इसके लिए पेट के दांत फोड़ते हैं। वो पहाड़ से ये पहाड़ को जंप किया बकरी ने, तो धनों को बोलते हैं मैं के दांत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बकरी तो मैं करने वाली माया बेटी होगी। बकरी कौन होती है? मैं करने वाली माया बेटी। वो कहती है कि मैं ही स्वर्ग स्थापन करूंगी। क्या गीता का भगवान कृष्ण के रूप में जो पाठ बजाता है वो तो शरीर छोड़ गया, क्या अब नई दुनिया की स्थापना मैं करूंगी? तो मैं करने वाली जो बकरी है वो दोनों नदियों को क्रॉस कर जाती है। और कौन सी नदियों को? एक कावेरी नदी। कावेरी शब्द बनता है कौ, कौ माने कौआ है, कौ कौ माने कौआ, एरी माने एरी, क्यों बुलाती है ना, कोई बोला एरी इधर, तो कौ और एरी माने कौओं के रूप में पाठ बजाने वाली कोई फीमेल कौआ है, क्या फीमेल कौआ। कौआ क्या करता है? गंध खाता है, गंध कहा जाता है व्यभिचार की गंध, व्यभिचार की गंध खाने वाली एरी, उसका नाम पड़ गया कावेरी। तो कावेरी जो है वो मिलती है जाकर के अक्कावती, अर्कावती, ज्ञान का अर्क, अर्क माना सार, जो ज्ञान का सार है ना वो जिसको मिलता है उसको कहते हैं अर्कावती। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार है पवित्रता, ज्ञान का सार है प्योरिटी। जहाँ आत्म की स्टेज होगी वहाँ प्योरिटी होगी। प्योरिटी में अर्कावती का पार्ट किसका हुआ? और कावेरी जो है वो कौओं के रूप में फीमेल कौआ का पार्ट बजाने वाली कोई ऐसा पार्टधारी है जो मिलता तो सच्चा ज्ञान है उसको, लेकिन वो फंस जाती है किसी तरह झूठे विष्णु के चक्कर में, क्या इसलिए उसका नाम पड़ता है कावेरी। तो कावेरी और अर्कावती, वती माने वाली, अर्क ग्रहण करने वाली माने ज्ञान का सार ग्रहण करने वाली कौन हुई? वैष्णवी देवी। तो जो झूठा विष्णु है, झूठे विष्णु का ज्ञान उठाने वाली है, उसका जब मेल होता है अर्कावती से माने वैष्णवी देवी से, तो उन दोनों को क्रॉस कर जाती है कौन? माया बेटी। कैसे क्रॉस कर जाती है? वो हाई जंप लगाती है, बुद्धि से सरेंडर हो जाती है। और कोई आत्मा बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पाती पहले पहले, न वैष्णवी देवी
न जगदम्बा न गंगा न कोई, और वो बुद्धि से सरेंडर हो जाती तो हाई जंप लगाती है ना। इसलिए बाप के समान उसको टाइटल मिल जाता है। क्या टाइटल मिलता है? सर्वशक्तिमान। तो उसे असदेवों की लिस्ट में आ जाना चाहिए है? असदेवों की लिस्ट में नहीं आती क्योंकि उस समय तक टू लेट हो जाता है। और मनुष्यों के साथ होती है, अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे से भी होती है। पेड़ पौधों को मनुष्य काटता नहीं है? जब पेड़ पौधों की टहनियाँ और ये क्या नाम उसकी जड़ें काट दी जाती हैं आदि, तो वो कुमलाने नहीं लगता है? वो भी कुमलाता है ना, माने जड़ तो मेरी आत्मा उसमें भी है, तो हिसाब किताब तो बना ना। जैसे जानवरों के साथ हिसाब किताब बनता है, वैसे पेड़ पौधों के साथ भी हिसाब किताब बनता है। जंगल काटना पाप है या पुण्य? पाप है। पशु पक्षियों को मारना ये पाप है या पुण्य? पाप है। उनमें भी आत्मा होती है, मनुष्य में चैतन्य आत्मा है और उनमें जड़ तुम्हें ही आत्मा है। संगम युग में जब पक्का बाबा को याद करते हैं तो रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आते हैं ना जी? जो जो पक्का बाबा को याद करते हैं, जितना सीता याद करते हैं उतना रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आता है 84 जन्मों में। पक्का याद माने क्या? पार्टी मार के बैठ जाते हैं? पक्का याद माने क्या? श्रीमत को सुना पूरा फारा पर याद कौन करेंगे? जो पार्टी मार के बैठ जाएंगे वो याद करेंगे, या जो कर्म करते रहेंगे और याद में भी बने रहेंगे वो याद करेंगे? जिन्हें कर्म करके याद आती रहेगी वो पक्का याद करेंगे, या जो पालकी मार के बैठ जाएंगे वो याद करेंगे? तो जो हड्डी हड्डी सेवा में गला देते हैं, क्या हड्डी हड्डी सेवा में गला देते हैं, जो बोला है योगियों के लिए 4 घंटे की नींद काफी है, माने 4 घंटे नींद करते हैं और बाकी सब ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, तन भी लगाते धन भी लगाते मन भी लगाते, उन सब से उन बच्चों को कौन याद करता है? बाप याद करता है। बच्चों में तो नंबरवार ताकत है और बाप तो सर्वशक्तिमान है, तो वो जिन बच्चों की बुद्धि को खींचेगा याद में उनकी याद ठीक ही होगी या धीमी होगी? ठीक ही याद हो जाती है। तो वो जन्म जन्मांतर बाप के नजदीक नहीं आएंगे। बात ये है ऐसा जैसा गायन है उसी तरह से संगम युग में सभी आत्माओं के लिए मोक्ष के वृक्ष दूसरे देहधारियों के याद भी ज्यादा सताते है ना, वो भी तो शूटिंग में हो सकता है ना। उसी तरह से संगम युग में जो भी पुरुषार्थी बच्चे हैं, एक बात पूरी बात बताइए। नहीं, जैसा जितना याद में पक्का होता है उसी तरह से रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आते हैं, उसी तरह से संगम युग में जो शूटिंग पीरियड में जो भी पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके साथ साथ मोह जो देहदारी जो संबंधी है उसी से मोह भी लगता है ना, तो उनका भी याद ज्यादा आने लगता है। तो वो कैसा 84 जन्म उनके साथ शूटिंग हो रही? जो जिसको याद कर रहा है शूटिंग पीरियड में उसी शूटिंग किसके साथ हो रही? उसी के साथ शूटिंग हो रही, उसी के साथ हो रहा है। और क्या 84 जन्म में माना उसी के साथ संबंध रहेगा? अगर कोई ऐसा है जो किसी देहधारी को याद कर रहा है
बाबा को उतना याद नहीं कर रहा है और सारा संघ में उस देहदारी की ही उसको ज्यादा याद है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा दिन किसके साथ होंगे? देहदारी के साथ होंगे। तो नहीं होंगे दोनों दोनों तरफ से पार्ट बजाना चाहिए, एक तरफ से कनेक्शन हो दूसरी तरफ से कनेक्शन बिल्कुल ना हो, तो दोनों हाथों से ताली नहीं बजी। समय याद की बदले ज्ञान की तरफ से याद आता है, याद की तरफ में तेज कम है, ज्ञान की तरफ से याद ज्यादा है, तो तब क्या क्या हाल है? सेकेंडरी याद हो गई, फर्स्ट क्लास याद नहीं है। यहाँ मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चल रहा है, ज्ञान बुद्धि में चल रहा है, वो फर्स्ट क्लास याद नहीं है। किसी को याद किया जाता है तो उसका रूप याद आता है, वो रूप जिस स्थान में है जिस व्यक्ति में समाया हुआ है वो याद आता है, व्यक्ति भी याद आएगा, स्थान भी याद आएगा, वो भी याद आएगा। ज्ञानेन्द्रिया कौन सा है और कर्मेन्द्रिया कौन सा है? यही अभी तक नहीं मालूम। कोई भी संगीत आते से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। पड़ेगा नहीं, देना चाहिए। भाई लोग भाइयों को समझाए और कन्या माताएं कन्या माताओं को समझाए, उनका साथ दोनों भी आ जाता है युगल। उस समय क्या करना पड़ेगा? युगल है ना साथ में? हाँ युगल है। और अच्छी बात है, माता लोग है दोनों साथ में है तो अच्छी बात है ना। लक्ष्मी नारायण हो गए समझाने वाले, और क्या चाहिए? अलग जो आते हैं ना भाई लोग, उनको उनको समझना है कि लक्ष्मी नारायण बन करके आए हैं या भाई ने लक्ष्मी को पूरा कब्जे में कर लिया है। नहीं, एक दिन अकेला आया दूसरा मास्टर के साथ, फिर भी दूसरा दिन युगल साथ आया। साथ में हो तो अच्छा ही है। गंगा कहाँ से निकलती है? रुद्रमाना से निकलती है। गंगा गौमुख से निकलती है, भूल गए? लेकिन एक तरफ विष्णु के चरण से गंगा आती है, एक तरफ गंगा आती है। एक बार विष्णु के चरण से दिखाई गई है, लेकिन आज कलयुग की दुनिया में कहाँ से गंगा निकलती है? गौमुख से निकलती है। यज्ञ के आज में विष्णु के चरणों से निकली होगी। परंतु त्रिमूर्ति में कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं दिखाते, श्रीका ने भी नहीं दिखाता शंकर को, चंद्रमा को नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं दिखाता है। हाँ, तो त्रिमूर्ति में जो अभी तीन मूर्तियां हैं उनमें संपन्न रूप से प्रवेशता नहीं हुई होगी जो सब कोई देख पाए, अभी गुप्त रूप से प्रवेशता हुई होगी इसलिए आँख को प्रत्यक्ष नहीं दिखाया गया। जो तीन मूर्तियां बनाई गई हैं, वो तीन मूर्तियां अभी जो बनाई गई है वो एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? इनएक्यूरेट है। जब संपन्न स्टेज होगी तो एक्यूरेट चित्र बनेगा। और वो नवजात है ना, वो नवजात है तब वो बच्ची को नहीं करेगी उसमें, या 2018 के पहले बच्ची को नहीं करेंगे या 2018 के बाद को नहीं करेंगे? पहले बच्ची पूरी होनी चाहिए या पहले राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना चाहिए? पहले तो बच्ची पूरी हो, फिर बच्चे से सालम बुद्धि बने, सालम बुद्धि बने, पुरुषार्थी बने, कंचन काया बनाए, तब संपन्नता हो, फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म हो। दुनिया में बच्ची तो चलती रहेगी अंत तक।